हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। डियर, आपके सामने दो नंबर हैं, नंबर वन नंबर टू। आपको इनमें से कोई सा भी एक नंबर सच्चे मन से अपने ईश्वर भगवान यूनिवर्स गॉड जिसको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनका नाम लेकर चुनना है। फिर देखते हैं न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आया है, क्या खुशखबरी मिलेगी आपको एंड कैसा रहेगा आपका आने वाला समय, न्यू मून का क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा, तो वो सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड ईयर, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आपसे कनेक्ट होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड ईयर, ये जो न्यू मून होता है ये आप हर वक्त हर इंसान की लाइफ पर अलग अलग इफेक्ट डालता है। एंड ईयर देखिए, रीडिंग जर्नल रीडिंग है तो एक इसे आप इंटरटेनमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं एंड अगर आपसे कनेक्ट हो जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, बात करेंगे नंबर वन चुना है जिसने। हेलो नंबर वन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड डियर खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी पूरी दुनिया भी आपसे प्यार करती है। एंड डियर, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी चीज़ को मांग रहे हैं, गॉड यूनिवर्स सबसे प्रे कर रहे हैं लेकिन हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी हमको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमें मिलेगी नहीं, वो कुछ वक्त के लिए अभी आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि देखिए गॉड यूनिवर्स यही चाहते हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको उस सही वक्त होगा तभी वो चीज़ आपको देंगे। एंड ईयर, अभी जो न्यू मून है आपकी लाइफ में, इस पर इसका इफ़ेक्ट जो है अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से। करियर प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाले 15 डेज आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी गुड न्यूज़ कभी भी मिल सकते हैं 15 डेज में, क्योंकि जो मून है न्यू मून, इसका इफ़ेक्ट आप पर बहुत पड़ रहा है एंड पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे आप अपने अंदर, महसूस करेंगे कि एक नई खुशी, एक नया उत्साह आपके अंदर आ रहा है। तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड ईयर, रीडिंग कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये न्यू मून आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है और इस न्यू मून में आपके लव पार्टनर की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। करियर में देखिए काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी आपके, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है डियर एंड न्यू मून आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, तो रीडिंग आपसे कनेक्ट जरूर होगी डियर। देखिए, अगर कनेक्ट ना हो तो आपको निराश नहीं होना है, आप हमारी आने वाली वीडियोज़ देख सकते हैं, वो ज़रूर कनेक्ट होंगी। अब बात करेंगे जिन्होंने नंबर दो चुना है। तो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अब बात करेंगे, आपने नंबर दो चुना है तो ये न्यू मून आप पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा, इस न्यू मून में आपको क्या मिलेगी, क्या खुशियाँ आपको मिलेंगी, क्या आपकी लाइफ में चेंज आएंगे इस न्यू मून से। तो ये न्यू मून आपके लिए डियर, देखिए लाइफ में तो आपके लिए अच्छा ही है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, हेल्थ इशू हो सकता है डियर आपकी जो लाइफ में, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको थोड़ा अपना ना स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। न्यू मून की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, काफ़ी टाइम से कोई काम ऐसा है जो आपका रुक रहा है तो वो काम भी इन 15 डेज में ज़रूर पूरा होगा। बस आपको ना पॉजिटिव रहना है डियर, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं तो वो बात अच्छी नहीं है, अपनी जो हिम्मत है उसे बनाए रखिए एंड ये न्यू मून आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके जो रुके हुए काम हैं सबको पूरा करेगा एंड आपके लिए गॉड यूनिवर्स एंजल सबकी ब्लेसिंग साथ में है। बहुत अच्छा समय है एंड रीडिंग कनेक्ट हुई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है उसका ध्यान रखिए। थैंक यू।